हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स स्टैटिक बैंकिंग फिनैंशियल और इकोनॉमिकल अवेयरनेस का ये फर्स्ट वीडियो है आपके एग्ज़ाम के लिए जो आई बी पी और क्लर्क मेंस में जो जीए सेक्शन है उसमें कुछ स्टैटिक पार्ट भी आते हैं जो बैंकिंग और इकनॉमिक से रिलेटेड होते हैं कुछ क्वेश्चन और इवन आई बी के मेन्स में भी आते हैं तो इसमें हर क्वेश्चन के साथ ज़्यादा डिटेल एक्सप्लैनेशन नहीं करूँगा क्योंकि अगर एक डिटेल एक्सप्लेशन करूँ तो वो काफ़ी टाइम ज़्यादा ले लेगा उसके लिए अलग वीडियो ज़रूर बनाऊँगा तो ये कुछ क्वेश्चन का सेट है बीस क्वेश्चन है और ऐसा सीरीज अभी आगे और भी आएगा तो उसका ये पहला वीडियो है चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज फ्लेक्सी डिपोजिट्स तो फ्लेक्सी डिपोजिट्स इनमें से किसे कहते हैं तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन है डिमांड एंड टाइम डिपोज़िट्स ठीक है तो कॉम्बिनेशन ऑफ ए डिमांड डिपोजिट्स और टाइम डिपोजिट्स को कहते हैं फ्लेक्सी डिपॉजिट जिसमें कासा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स भी रहता है और रेकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट भी रहता है तो फ्लेक्सी डिपोजिट इज जनरली ऑफर्ड बाई बैंक्स बैंक्स अपने डिपॉजिटर को अवेल कर ये ऑफर करता है फ्लैक्सी डिपोजिट सो दैट डिपॉजिटर कैन अवेल द लिक्योरिटी ऑफ सेविंग्स एंड करंट अकाउंट और साथ साथ एंड हाई रिटर्न ऑफ फिक्स डिपॉजिट तो दोनों का फ़ायदा होता है इन फ्लेक्सी डिपोजिट द कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड एंड टाइम डिपोजिट्स द इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपोजिट इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम डिपोजिट पर जो इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेटेड होता है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्वार्टरली ठीक है क्वार्टरली कैलकुलेट होता है कैसे हर तीन महीने पर एवरी थ्री मंथ अब जैसे मान लीजिए किसी इंटरेस्ट किसी टाइम डिपोजिट पर इंटरेस्ट है ट्वेल्व परसेंट एनुअली ठीक है तो बारह परसेंट एनुअली है तो उसे चार पीरियड से डिवाइड कर दिया जाएगा और तो फिर क्या होगा तीन परसेंट क्वार्टरली तो तीन परसेंट क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट ये कैलकुलेट होता है किस पे इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपोजिट्स ये क्वार्टरली कैलकुलेट होता है क्वार्टरली क्या होता है एक साल का तीन महीना वॉट इज द मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टू बी मेन्टेन बाई स्मॉल फिनेंस बैंक इन इंडिया तो सी ए आर कैपिटल एडिकुएसी रेशियो मिनिमम क्या है इसका सही जवाब ऑप्शन सी पंद्रह परसेंट तो सी ए आर क्या होता है रेशियो ऑफ बैंक कैपिटल ठीक है रेशियो ऑफ बैंक कैपिटल टू द रिस्क वेटेड एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज जनरली ये वो चीज़ होता है द परसेंटेज वाट हाउ मच कैपिटल डज द बैंक हैज़ विथ हिट एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल क्रेडिट एक्सपोजर उसका जो टोटल क्रेडिट एक्सपोजर है उसका कितना परसेंटेज कैपिटल जो बैंक के पास रहता है वो है कैपिटल एडिक्युसी रेशियो तो वो स्मॉल फिनेंस बैंक के लिए कितना है पंद्रह परसेंट है ताकि पंद्रह परसेंट उसको मेंटेन करना है सी ए आर सी आर आर इज मेंटेन एज अ परसेंटेज ऑफ किस पे मेंटेन रखता है सी कैश रिजर्व रेशियो ये मेंटेन रहता है ऑप्शन डी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी अब एन शॉर्टली जान जाएंगे एन क्या होता है डिमांड एंड टाइम लेबिलिटी डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी ऑफ डिपोजिट्स माइनस डिपोजिट्स ऑफ एसेट्स विद अदर बैंक ठीक है ना जो अदर बैंक का जो एसेट्स डिपोजिट है उसका किससे डिफरेंस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ डिपोजिट्स तो उसको कहते हैं हम नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ और परसेंटेज ऑफ कैश रिज़र्व रेशियो कैश रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन रिज़र्व तो वो कैश परसेंटेज जो कि बैंक को रखना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ रिज़र्व ठीक है और बैंक डज नॉट गिव एनी इंटरेस्ट ऑन कैश रिजर्व रेशियो दैट मनी विच इज़ अंडर आर बी के रिक्वायरमेंट्स में जो भी रहता है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देता है हु रेगुलेट्स द मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया मॉनिटरी पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है इट इज़ रेगुलेटेड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर बी आई फॉर फिक्सिंग द बेंच मार्क ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया एंड फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन डिफरेंट रेट्स तो आर बी आई के जो मॉनिटरी पॉलिसी में उसमें छः में रहते हैं जो कि तीन आर बी आई से रहते हैं और तीन एक्सटर्नल रहते हैं विच इज अपॉइंटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस डी आर इज़ द एब्रोविएशन ऑफ एस डी आर क्या होता है एस डी आर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्पेशल ड्राॅइंग राइट्स ठीक है स्पेशल ड्राॅइंग राइट्स ए काइंड ऑफ रिज़र्व ऑफ़ फॉरन एक्सचेंज ठीक है इट इज़ अ काइंड ऑफ रिजर्व ऑफ़ फॉरन एक्सचेंज से जो रिलेटेड है सो दोज एसेट्स कंपेरिजिंग ऑफ फॉरन करेंसीज ऑल ओवर द ग्लोबल वर्ल्ड एस डी आर को एस डी आर वाज क्रिएटेड बाई इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आई एम एफ के द्वारा ये शुरू किया गया था स्पेशल ड्राइंग राइट्स द मिनिमम क्रेडिट एक्सपोजर रिक्वायर्ड फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर द प्रायोरिटी फ्रेंड्स सारे जो स्ट्रेटेजी पोर्शन उसे जरूर डिस्कस करूंगा अलग वीडियो में काफी अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर करूंगा तो ये अभी एमसीक्यू के फॉर्म में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे देखें ज़रूर द मिनिमम क्रेडिट एक्सपोजर रिक्वायर्ड फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस तो पी में जो एग्रीकल्चर के लिए है वो मिनिमम क्रेडिट एक्सपोजर कितना है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अठारह परसेंट एटीन परसेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द एक्चुअल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन अ फिजिकल ईयर ठीक है एक्चुअल कंजम्पशन जो कि खर्च का एक्सपेंडिचर का एक फिनेंशियल ईयर में वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट और ये होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है ये तो रेवेन्यू डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ पब्लिक एसेट्स वो ग्रांट जो कि पब्लिक एसेट्स के लिए क्रिएट किया जाता है उसका और रेवेन्यू डेफिसिट का डिफरेंस तो आर डी यानी रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर पब्लिक पब्लिक एसेट्स ग्रांट्स फॉर पब्लिक एसेट्स ये होता है फेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट और ये न्यू टर्म था जो कि 2011 के बजट यूनियन बजट में इसे लागू किया गया था इसे तब से शुरू किया गया विच आर द फॉलोइंग इशूड इन ऑर्डर टू मीट एनी फ्यूचर ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट टू अ पर्सन तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पोस्ट डेटेड चेक ठीक है दोस्त चेक विच इज रिटन बाई अ ड्रॉवर डेट इन फ्यूचर तो फ्यूचर डेट में के लिए जो लिखा गया जैसे मान लीजिए आज अट्ठाईस सेप्टेम्बर है और उस चेक पर मैंने लिख दिया दस अक्टूबर को ड्राई उसका डिपोजिट होगा तो वो पोस्ट डेटेड चेक होता है ठीक है तो वेन द ड्रॉवर वांट्स द रिशिपेंट जो रिसीव करेगा कोई इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी टू वेट टिल दैट डेट बिफोर द क्लियरेंस और डिपोजिशन ऑफ चेक ठीक है और जनरली ये इन फंड या फिर किसी दूसरे पेमेंट ड्यू की वजह से ऐसा किया जाता है पोस्ट डेटेड चेक द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी बोरोड बाय बैंक अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रूट एमएसएफ रूट तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वन परसेंट ऑफ एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी एन डी टी एल का तो एमएसएफ क्या होता है अ विंडो फॉर बैंक टू बोरो फ्रॉम द आरबीआई इन एन एमरजेंसी सिचुएशन उस फंड को उसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रूट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ बैचेज इन द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मेकेनिज्म एन में जो पेमेंट का जो बैचेज क्लियरेंस होता है वो कौन सा टाइम रहता है इसका सही जो अब होगा ऑप्शन ए ट्वेंटी फोर सेवन नो टाइम लिमिट्स पहले टाइम लिमिट्स रहता था अब टाइम लिमिट्स नहीं रहता है तो क्लियरेंस ऑफ बैचेज फॉर पेमेंट तो इज डन ट्वेंटी फोर सेवन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ सोवर एन गोल्ड बॉन्ड स्कीम टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन फॉर एन एनटाइटी कंपनी तो गोल्ड बॉन्ड स्कीम के लिए किसी एनटाइटी फिर कंपनी के लिए मैक्सिमम लिमिट क्या है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बीस के जी ठीक है तो बीस किलो का गोल्ड जो फिजिकल गोल्ड है उसके एवज में जो गोल्ड गोल्ड बॉन्ड क्या होता है एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रहता है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स ऑफ गोल्ड ठीक है सब्सिट्यूट अ सब्सटीट्यूट फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड इसके बदले में तो और कंपनी के लिए कितना रहता है बीस के जी बीस किलोग्राम और इंडि और मिनिमम क्या रहता है परमिसेबल इन्वेस्टमेंट इसके लिए एक ग्राम का ठीक है एक ग्राम का मिनिमम परमिसेबल इन्वेस्टमेंट रहता है गोल्ड बॉन्ड के लिए एक ग्राम इंडिविजुअल के लिए फोर के जी है फोर के जी फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एच एच के लिए भी फोर के है गोल्ड बॉन्ड में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत इन अ चेक द अमाउंट रिटेन इन नंबर्स फिगर्स तो जो नंबर चेक में जो नंबर फिगर में लिखा रहता है अमाउंट उसको क्या कहते हैं उसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कर्ट अमाउंट ठीक है तो जो नंबर या फिगर में डिजिट्स में लिखा रहता है चेक पे जो लिखते हैं वो कर्टसी अमाउंट रहता है और जो वर्ड्स में लिखा रहता है वो क्या रहता है वो रहता है लीगल अमाउंट तो ये वर्ड्स में लिखा रहता है और ये नंबर्स में लिखा रहता है कर्ट सी अमाउंट चेक पे अगर दोनों में डिफरेंस रहा तो कंसिडर किया जाएगा अमाउंट रिटर्न इन वर्ड्स अंडर नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विच कमेटी रिकमेंडेड विलफुल लोन डिफॉल्टर किस कमेटी ने रिकमेंड किया था विलफुल लोन डिफॉल्टर के लिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नारसिम्हन कमेटी ठीक है विलफुल डिफॉल्टर दैट डिफॉल्टर हु डेंट पेट द लोन बैक डिस्पाइट फॉर एबिलिटी टू रिपेइंग इट तो चुकाने के बावजूद भी जो लोन नहीं चुकाते हैं। वो बिलफुल डिफॉल्टर होते विच ऑफ द करंट अकाउंट डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट तो कौन सा अकाउंट इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड कराता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी करंट अकाउंट तो करंट अकाउंट चालू खाता है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड कराया जाता है इन बैंक डीफ स्टैंड फॉर डीफ क्या है बैंकिंग से रिलेटेड टर्म है डीफ का मतलब उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड ठीक है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड इट वॉज इस्टेब्लिश बाई आर बी आई इन टू थाउजेंड फोर्टीन दैट टू क्लियरिंग अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो भी डिपोजिट बैंक में जो अनक्लेम्ड है ठीक है उसके लिए फॉर द प्रोमोशन ऑफ डिपोजिटर्स इंटरेस्ट एंड फॉर द अनक्लेम्ड डिपोजिट्स आर ने इसे 2014 से शुरू किया डीप डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ चेक इशूड बाई ड्रॉर एट सम पॉइंट प्रेजेंटिंग टू द बैंक इसको हम क्या कहते हैं ट्रंकेशन चेक ट्रंकेशन यानी चेक क्लियरेंस सिस्टम बाई द मोड ऑफ डिजिटलाइजेशन इन टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो कि डेटा मैचिंग और वेरिफिकेशन होता है नॉन फिजिकल फॉर्मेट में जो चेक क्लियरेंस होता है चेक ट्रंकेशन उसे हम कहते हैं द पिलर टू ऑफ बेसल थ्री डील्स विद बेसल भी काफी डिटेल टाइम खोजता है एक्सप्लेन करने के लिए तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा पिलर टू ऑफ बेसल थ्री इसका होगा ऑप्शन सी सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस द इंटरेस्ट रेट एट विच आर बी आई प्रोवाइड ओवर नाइट लिक्विडिटी टू द बैंक कौन सा रेट होता है जिसपे आर बी आई ओवर नाइट लोन लिक्विडिटी देता है बैंक को उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेपो रेट ठीक है सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल्स ऑफ फंड सो दैट इज कॉल्ड रेपो रेट प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स द प्रजेंट रेपो रेट अभी अभी के डेट में जो एग्जैक्ट रेपो रेट है वो कितना परसेंट है आर बी आई मैनेज़स फ़ॉरन एक्सचेंज अंडर विच एक्ट फ़ॉर एक्सचेंज को किस एक्ट के तहत मानता है आर बी आई मैनेज करता है ऑप्शन है फ़ॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नाइनटीन नाइन्टी नाइन फेमा एफ ई एम ए जो कहते हैं फेमा फ़ॉन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नाइनटीन नाइन्टी नाइन उन्नीस सौ निन्यानवे तो ये था बीस क्वेश्चन स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंशियल और इकनॉमिक से कुछ जो आपके मेन्स एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है बैंकिंग टर्म्स का उसे मैं ज़रूर वीडियोज़ में ज़रूर लाऊँगा सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग थैंक यू